तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, अगर आप एलईडी बल्ब का रिपेयर सबसे यूनिक सबसे हट के तरीके से करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना काट छाट के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं जो एलईडी बल्ब का रिपेयर करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ वह तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें तो जो एलईडी बल्ब खराब है उसे ओपन कर लेना है, और ओपन कर लेने के यहाँ पर हमने लकड़ी का गुटका लिया है। आप किसी कोई भी चीज़ हल्के चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इस तरह से ठोक कर इसका जो ढक्कन है उसे बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, हमने इसका जो ढक्कन है उसे बाहर निकाल लें। अब बात यह आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, दो फॉल्ट हो सकते हैं जिस कारण से हमारा एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, पहला कारण यह हो सकता है कि इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है उसमें कुछ फॉल्ट होगा जिस कारण से हमारा एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है, या तो दोस्तों इसका जो एलईडी प्लेट है ऊपर में जो लगा हुआ है उसमें फॉल्ट होगा जिस कारण से हमारा एलईडी बल्ब नहीं जल रहा होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर श्योर होना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, जो वायर यहाँ पर आया हुआ है उसमें पावर सप्लाई इसका जो प्लेट है लाइट का वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, हमें वह पता करना है सबसे पहले। तो दोस्तों, उसे पता करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का जो झालर लाइट है उसमें का हमने 9 बल्ब का एक लड़ी लिया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर 9 बल्ब इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा जो एलईडी बल्ब है वह 9 वाट का है, तो हमने यहाँ पर 9 बल्ब इसे चेक करने के लिए लिए हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले चेक करके देखे थे कि एक दो लाइट में चेक करके कि यह काम करता कि नहीं। तो दोस्तों, ये हमें इसमें एक दो लाइट में अगर इसे चेक करेंगे तो इस लाइट को उड़ा देता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों 9 वाट के बल्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर 9 बल्ब का यहाँ पर झालर लाइट का लड़ी लिया है जिससे हम इस बल्ब को चेक करेंगे कि इसका जो सर्किट का पावर सप्लाई है वह प्लेट में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एलईडी बल्ब में दोस्तों जो दो वायर आया हुआ है उसमें हम झालर लाइट का एक एक वायर को हम टच करेंगे और उसका जो पावर सप्लाई आ रहा होगा दोस्तों, तो ये हमारा झालर लाइट है वह जल जाएगा। अगर उसमें कुछ फॉल्ट होगा, उसका पावर सप्लाई प्लेट में नहीं आ रहा होगा, तो हमारा जो झालर लाइट है दोस्तों वह नहीं जलेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसको होल्डर पे लगा लिए हैं और इसे डायरेक्ट बोर्ड पे लगा लेते हैं और एसी पर इसे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लकड़ी का घुटका दोस्तों उसके ऊपर इस बल्ब को रख दिया है क्योंकि इसमें हमें चेक करने के लिए आसानी होगा। तो दोस्तों, इसका जो वायर है हमने उसे प्लग में लगा लिए हैं, अब ऑन भी कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इस झालर लाइट का एक एक पॉइंट को जो वायर अंदर से आया हुआ है सर्किट का वहाँ पर हम इसे टच करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब टच कर रहे हैं तो ये हमारा झालर लाइट है वह जल रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ यही होता है दोस्तों कि ये जो सर्किट है इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वहाँ से जो पावर सप्लाई प्लेट में जो आता है वह अच्छे तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें यही समझना है कि इसका जो फॉल्ट है इस एलईडी बल्ब का वह इसके जो एलईडी प्लेट है उसी में इसका फॉल्ट है जिसके कारण से हमारा जो एलईडी बल्ब है वह नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, इसका जो बल्ब होता है वह सीरीज में लगा हुआ होता है। अगर दोस्तों इसमें का एक भी लाइट एलईडी फ्यूज हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारा एलईडी बल्ब होता है वह फ्यूज हो जाता है, यानी कि यह जलता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस एलईडी बल्ब को हम इसका जो एलईडी है उसे इसी झालर लाइट से हम चेक करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा जो एलईडी है जो फॉल्ट है जिसके कारण से हमारा जो बल्ब है वह नहीं जल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हम प्रत्येक एलईडीज के ऊपर इस वायर को आगे और पीछे टच करके देखते जाएंगे दोस्तों। अगर कोई एलईडी फॉल्ट होगा तो ये हमारा जो झालर लाइट का सर्किट है उससे यह पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो नीचे वाला जो एलईडी है वहाँ पर टच कर रहे हैं तो हमारा जो झालर लाइट है वह जल रहा है। तो दोस्तों, वहाँ से जो इसका जो सीरीज है दोस्तों वहाँ से इसका जो सर्किट है वह कट हो चुका है जिस कारण से यह सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, ये जो बल्ब में जो फॉल्ट है दोस्तों जो एलईडीज में उसे हम निकालेंगे और निकालने के बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब है उसमें जो बल्ब जो एलईडीज फॉल्ट है उसे हम कटर की सहायता से इस तरह से निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमने जो ख़राब था जो एलईडी ख़राब था उसे कटर की सहायता से निकाल दिए हैं। अब निकाल देने के बाद दोस्तों, उसके हम ब्लेड की सहायता से थोड़ा चिकना करेंगे ताकि उसमें जो रफ है दोस्तों वह चिकना हो जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सोल्डिंग आयरन की मदद से सॉल्ड करने से या
रेडिश ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, अगर हम दोस्तों इस एल ई डी को आपस में शॉर्ट कर देते हैं जो हमने निकाले हैं उसे सोल्डर आयरन की मदद से, तो ये एल ई डी चालू। मगर दोस्तों हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो एल ई डी ख़राब है उसका जो भार था वह अन्य एल ई डी पर चला जाएगा, जिससे ये हो सकता है कि इसका जो लाइफ है उसमें कमी आ सकता है। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि ये जो एल ई डी ख़राब था हम वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइट लगा देंगे, ताकि जो पहले वाला एल ई डी था उसका जो भार था वह जो हम बल्ब लगाएंगे उसके पास उसका जो भार है वह रहे, जिससे हमारा जो अन्य एल ई डी है उस पर एक्स्ट्रा भार ना पड़े और जो हमारा एल ई डी बल्ब है उसका जो लाइफ है वह अच्छे से रहे और हमारा जो एल ई डी है वह अच्छे से ज़्यादा दिन चले। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो हमने झालर लाइट आपको चेक करके दिखाए हैं इस एल ई डी बल्ब में, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो झालर लाइट है उसमें का ही एक बल्ब लेंगे, जिसे जो हमने एल ई डी निकाले हैं वहाँ पर हम इसे सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों हम इस लाइट को इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे, तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने जो लाइट है उसे निकाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो बल्ब है उसे दूसरे वाले निकाले हैं। तो दोस्तों हम इस बल्ब को यहाँ पर इस एल ई डी के बदले हम इसे सोल्डिंग करेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो पहले वाला जो एल ई डी था उसका जो भार है वह इस बल्ब में चला जाएगा, इससे हमारा जो एल ई डी बल्ब है उसमें एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सोल्डर आयरन को गर्म कर दिया है और उसमें रंगा भी लगा लिया है। अब हम इस बल्ब को यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस झालर लाइट के बल्ब को यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है। अब दोस्तों हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये हमारा जो रिपेयर था वह सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पर होल्डर पर इसका जो लाइट है वह लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी बल्ब है वह अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में अपने जो खराब एलईडी बल्ब है उसका रिपेयर इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका जो लाइफ है दोस्तों वह उसमें कोई किसी भी प्रकार का कमी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से रिपेयर करते हैं तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।